क्या अप्सरा थी हनुमान जी की माता? पढ़ें पौराणिक कथा। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी। बालपन में वे अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा, तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सरा में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजिकस्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। तब पुंजिकस्थला ने बताया, किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिकस्थला ने कहा कि अगर इंद्र देव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्र देव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहाँ वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारण के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं वानर राजकेसरी हैं, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। इस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थीं और दूसरी तरफ अयोध्या में अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी तीन रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिव, यह खीर राजा की तीनों रानियों को खिला दो, राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया।
तब हनुमान जी वानर मुख वाले हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को आंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है, वातात्मज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंग बली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण लिया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।